जिस CISF जवान ने सलमान को रोका था उसी के खिलाफ अब क्यों लिया गया एक्शन? अपनी ड्यूटी निभाने के लिए CISF जवान के खिलाफ क्यों लिया गया ये एक्शन? हाल ही में जब सलमान खान टाइगर 3 की शूटिंग के लिए रशिया रवाना हुए थे तब एयरपोर्ट पर एक CISF जवान ने एज अ ड्यूटी प्रोटोकॉल सलमान को चेकिंग के लिए रोका था। इस जवान ने सलमान को पहले सिक्योरिटी जांच पूरी कराने को कहा तो वहीं सलमान ने भी इसमें पूरा साथ दिया। वो रुके और जांच पूरी होने के बाद ही अंदर गए और ये वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस CISF जवान की खूब तारीफ की थी, लेकिन अब इस जवान के खिलाफ एक्शन लिया गया है। दरअसल इस CISF जवान का नाम सोमनाथ मोहंती बताया जा रहा है और अब ताजा रिपोर्ट्स की माने तो अब इस जवान का फोन जब्त कर लिया गया है। एक अधिकारी का कहना है कि उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है जिस वजह से ऐसा एक्शन लिया गया। बताया जा रहा है कि सोमनाथ ने सलमान खान को एयरपोर्ट पर रोकने को लेकर मीडिया से बात की थी जो करने की परमिशन नहीं है, और चूंकि सोमनाथ मोहंती अब आगे किसी मीडिया हाउस से बात ना करें इसलिए उनका मोबाइल सीज कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा था जिसके बाद सोमनाथ मोहंती की हर तरफ तारीफ होने लगी। आपको बता दें कि बड़े स्टार्स के साथ उनकी टीम भी ट्रैवल करती है जिसके चलते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी उनकी टीम ही करती है ताकि स्टार बिना किसी रुकावट के एंट्री कर सके। लेकिन सोमनाथ ने एयरपोर्ट पर सलमान को बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंट्री नहीं दी, जिस दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद फोटोग्राफर्स ने पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। खैर, आपको बता दें कि सलमान टाइगर 3 की शूटिंग के लिए हाल ही में रवाना हुए और उनके साथ कटरीना भी गई और उन्हें भी इस दौरान एयरपोर्ट पर ही स्पॉट किया गया था। वैसे टाइगर 3 की शूटिंग कई फॉरेन लोकेशंस पर होनी है जिसमें सलमान रॉ एजेंट के रोल में दिखेंगे तो वहीं कटरीना ISI एजेंट के रोल में दिखेंगी और वहीं इमरान हाश भी दिखेंगे खतरनाक विलन के रोल में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।